लोग स्टार्ट कर रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले रजिस्टर का एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर दूं। ये एक रजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। मार्केट में कभी आप देखे होंगे कुछ कलरफुल ऐसे लगा रहता है, और टीवी टीवी रेडियो वगैरह जब तोड़ोगे तो उसमें बीच में मिलेगा, बट तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दें। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं और इसके ऊपर जो है ये कलरफुल लाइंस होती हैं, ठीक है। कोई भी कलर का हम ले लेते हैं, जैसे जनरली यहां पे जो है ना कलरफुल लाइंस होती हैं, तो उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। एक रेड कलर की ड्रॉ कर दिया, किसी भी कलर की हो सकती है, हम अपने मन से कुछ भी ड्रॉ कर दे रहा। एक ग्रीन कलर का ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक कौन सा कर दे, येलो कर लेते हैं। येलो तो दिख ही नहीं रहा है, इस पे दूसरे कलर का किया जाए। वायलेट कलर का कर लेते हैं, वायलेट, ठीक है। ये तीन कलर कर लिए। फिर यहां पर जो है एक और बैंड होता है, ठीक। ये जो बैंड है, इस बैंड को मैं फिलहाल बैंड के बारे में बताऊं, यहां फिलहाल मैंने व्हाइट कलर का ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप परेशान ना होइए, बता रहा हूं इसके बारे में, सबके बारे में बताएंगे, इसी के बारे में क्यों। ठीक है, ऐसे तीन बैंड होते हैं, इसका नाम ए दे दिया मान लीजिए, ए, इसका नाम मानिए बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए और इसका नाम डी दे दिए, ठीक है। यहां पर तीन सिचुएशन हो सकती है इस वाले डी वाले बैंड में, या तो ये गोल्डन कलर का होगा, या सिल्वर होगा, या नो कलर, यहां बैंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन यहां पर हो सकती है। ये एक्चुअल में इंप्योरिटी को बताता है कि उसका टॉलरेंस कितना है, ठीक है। एक्चुअली जो डी वाला जो है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, ठीक। गोल्ड के केस में जो टॉलरेंस होती है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, मैं लिख देता हूं, गोल्ड के केस में टॉलरेंस 5% की होती है, सिल्वर के केस में 10% की, और नो कलर के केस में 20% की टॉलरेंस होती है। ठीक, अब जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू को लिखेंगे कैसे, देखिए कि जितने भी कलर्स हैं इन सब की कोडिंग होती है, ठीक है। 0, 1,
टू यहां लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक कलर होता है। जैसे 0 जो है इसको हम लोग ब्लैक कलर के लिए यूज करते हैं, ब्लैक। 1 जो है वो ब्राउन, 2 है वो रेड के लिए, 3 जो है वो ऑरेंज, 4 जो है वो येलो, 5 जो है वो ग्रे, 6 जो है वो ब्लू, 7 वायलेट, 8 ग्रे और 9 व्हाइट। ठीक है, ये सिर्फ ए बी सी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि डी वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डी में सिर्फ 3 ही हो सकता है, गोल्ड सिल्वर या नो कलर। तो सिर्फ मैं ये पहले 3 के लिए बता रहा हूं आपको। इसको याद करना, सोचो कि इतना आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसको याद करने का तरीका है। क्या तरीका है बता रहा हूं, बी बी आर ओ वाई जी, देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वी से विजिटेड गेटवे, गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद हो गया कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप ये याद कर लिए तो ये फटाक से सारा नंबर लिख लोगे। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका होगा। अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए, जैसे कि कुछ कलर 2 बार यूज हो गया, जैसे बी और बी, तो ऐसे याद कर लो ब्लैक। ब्लैक ज्यादा डार्क होता है तो वो पहले आएगा, यानी कि पहला जो बी है वो ब्लैक के लिए है। ठीक है, ऐसे ही जी और जी 2 बार आ जाएगा, तो ग्रीन तो प्राइमरी कलर है, हमारा मुख्य कलर है। ठीक है, तो ये हमारा पहले आएगा, तो यानी कि पहले जो जी आ रहा है वो ग्रीन के लिए है, बाद वाला ग्रे के लिए है। ठीक है, फिर बीच में बी आ गया, तो बी किसके लिए, ब्लू के लिए है, तो ब्लू का बीच में आएगा। ऐसे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, अब जो है जो सामने रजिस्टर है इसकी वैल्यू निकाली जाए कि आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आर को कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी ओम,
ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यहां पे जो आपको रजिस्टर दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, उसका कितना होगा, इसका ए क्या है, रेड है, रेड के लिए कोडिंग क्या है, टू, तो यहाँ टू लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चा, ध्यान देना, ये डिजिट लिखा गया है। बी, बी क्या है, ग्रीन, ग्रीन के लिए कोडिंग क्या है, फाइव, तो यहाँ फाइव लिख देंगे। इनटू 10 to the power, सी, सी क्या है, वायलेट, वायलेट के लिए कलर क्या है, 7 ohm, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, देखने में सुंदर लगेगा अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2.5 × 10⁸ ohm। बहरहाल ऊपर वाला ठीक है, कैसे भी याद करिए, क्या लेना देना, सुंदर सा लिख दे, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लो, अच्छा तरीका है ना, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई रजिस्टर हो जिसपे कोडिंग जो है, एक ले लिया जाए रजिस्टर, क्या करना है, अब किस कलर का ले लिया जाए। मान लीजिए हम ले लेते हैं ब्राउन, ये ब्राउन दिख रहा है ना, ब्राउन है, नहीं दिख रहा होगा तब भी जानिए ब्राउन ही है। इसके बाद ये ब्लैक ले लेते हैं एक, ठीक है। अब कौन सा कलर ले लें, ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज बहुत दिन से नहीं लिए, ऑरेंज ले लिया जाए, ठीक है। और यहां पे हम मान लेते हैं नो कलर, यहां पर डी वाले पर कोई कलर है ही नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, तो पहला वाला क्या है, ब्राउन है, ब्राउन। दूसरा वाला क्या है, ब्लैक। तीसरा क्या है, ऑरेंज, यही कलर कोडिंग है। तो ब्राउन के लिए कलर क्या होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1। फिर उसके बाद ब्लैक, ब्लैक के लिए 0 होता है, इनटू 10 to the power। ऑरेंज के लिए क्या होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, ठीक है। यानी कि आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 kilo ohm, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा 10 kilo ohm का, और इसकी टॉलरेंस कितनी है, 20% की। हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 kilo ohm प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होगा। अगर गोल्ड की लाइनिंग होती वहां पे तो प्लस माइनस 10% लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर सिल्वर की होती, गोल्ड की होती तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर की होती तो प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो मैं यहां पर भी लिख दूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो जाएगा, आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा आपका, किस कलर से लिख दे, रेड से लिख दिया जाए, चलो रेड से। आर इक्वल टू क्या बताया मैंने, ए बी इंटू 10 to the power c ओम, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डी परसेंट। डी क्या है, अब डी जो भी कलर होगा उसके हिसाब से सोच लेंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है कि आप लोग याद कर लेंगे, और यही आपके काम की चीज है।